हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमने जो पुरानी वीडियो में पढ़ा था हमने लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम किसे कहते हैं और लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हम ये पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट क्या होता है? अ सेट एस सबसेट ऑफ आर एन इज सेट टू बी कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एस एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू बिलोंग्स टू एस। यानी कोई सेट होगा हमारे पास एस, उसमें कोई भी हम दो पॉइंट ले लेंगे एक्स वन एंड एक्स टू। कोई भी यानी कि हमें किसी भी अपने आर्बिट्री एक्स वन एंड एक्स टू लेना है हमें, तो उसके लिए सभी एक्स वन एक्स टू के लिए एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू बिलोंग्स टू एस करना चाहिए, जहाँ पर एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन एंड एल्फा एंड बीटा दोनों ही एल्फा एंड बीटा जीरो से बड़े हैं। यानी कि जो एल्फा और बीटा की जो रेंज है वो जीरो एंड वन के बीच में है दोनों की। अब ग्राफिकली अगर हम इसको शो करते हैं, ग्राफिकली कैसे कह सकते हैं, आ सेट एस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी पॉइंट। मतलब कोई भी हमारे पास ग्राफ होगा, इस तरह से हमारे पास कोई ग्राफ ले लेते हैं हम फ्रेंड्स, इस तरह से कोई भी ग्राफ होगा, ये ग्राफ है हमारे पास, इस तरह ये ग्राफ है। यानी हम यहाँ से ले लेते हैं, ये ग्राफ है। जैसे ये भी हो सकता है, ट्रेंगल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हमारे पास ग्राफ बनाया हमारे पास। अगर ये जो कॉन्वेक्स होगा, अगर इस पॉइंट से आगे पढ़ते हैं, अ लाइन सेगमेंट बिटवीन एनी पॉइंट, कोई एनी टू पॉइंट आर्बिट्री होंगे वो, एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस इज इन द रीजन एस। कोई लाइन सेगमेंट होगा जो कि हमारे पास एक्स वन एक्स टू को जोड़ रहा होगा वो एस में ही होगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं एस बराबर एक्स एल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू, एल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन एंड एल्फा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे हम कोई दो पॉइंट ले लें इसमें, तो इसके जो लाइन सेगमेंट होगा यहाँ से और यहाँ से, कोई भी पॉइंट ले लें इस लाइन पे, ये हमारे पास इसी एस में आ रहा है। इस तरह ट्रेंगल में ले लें, ट्रेंगल में यहाँ से यहाँ ले लें तो वो भी आएगा, कि कहीं पर भी ले लें दो पॉइंट इसमें लें तो यहाँ पे कहीं पर भी ले सकते हैं हम दो पॉइंट। उनको उन दोनों पॉइंटों को जो मिलाएंगे वो जो लाइन होगी उसी एस में आएगी। अगर जैसे हम यहाँ पे ये रीजन लें, अगर ये हमने कोई रीजन ले लिया फ्रेंड्स, अब इस रीजन में हम देखते हैं कि ये सेट है वो कॉन्वेक्स है या नहीं, ये रीजन जो कॉन्वेक्स है या नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो लाइन सेगमेंट में मिलाने वाले पॉइंट इसी में है। तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास हम कोई पॉइंट मिल गए तो वो कॉन्वेक्स हो गए। हमें यहाँ पे ऐसे पॉइंट भी मिल रहे हैं जो कि लाइन को, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाए हम यहाँ पे। अब ये पॉइंट को हम देखें, इस पॉइंट में यहाँ पे एक्स वन दे दें, यहाँ एक्स टू दे दें, इन दोनों पॉइंटों को अगर हम मिलाते हैं तो यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये लाइन, ये पॉइंट जो जो कि हमारे पास जो रीजन एस था उससे बाहर चले गए, तो ये जो रीजन होगा हमारे पास, ये कॉन्वेक्स रीजन नहीं होगा फ्रेंड्स। नाउ सम इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कॉन्वेक्स सेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है, पहले इफ एस वन एंड एस टू आर टू कॉन्वेक्स सेट देन इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स सेट। यानी इफ एस वन, यानी एस वन कोई कॉन्वेक्स सेट है, एस टू कॉन्वेक्स सेट है, जब दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा एस वन इंटरसेक्शन एस टू वो भी कॉन्वेक्स सेट होगा, ये शो करना है फ्रेंड्स। इसको प्रूव करने के लिए गिवन दैट एस वन एंड एस टू आर कॉन्वेक्स, देन वी वॉन्ट टू शो एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। सो वी टेक टू पॉइंट फ्रॉम एक्स एस वन इंटरसेक्शन एस टू, जो हमें शो करना है उसमें से हमने दो पॉइंट ले लिए, वो एक्स वन एंड एक्स टू ले लिए, इसमें से कोई भी दो पॉइंट हमने आर्बिट्री ले लिए। देन वी वॉन्ट टू शो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू, जहाँ जीरो लेस देन लेमड़ा लेस देन वन। फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ से लिया है, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था एल्फा वन प्लस बीटा इक्वल टू वन, तो इससे एल्फा वन बराबर क्या हो जाएगा, वन माइनस बीटा। तो ये अगर यहाँ पे हम गामा लें तो वन माइनस गामा हम कर सकते हैं इसको, तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। हमें ये शो करना है, अगर हम ये शो कर पाते हैं तो हमारे पास जो एस इंटरसेक्शन एस टू होगा वो कॉन्वेक्स होगा। अपने ये शो करने के लिए हमने लिए जो पॉइंट है एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू से लिए हैं, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन हैं तो इसका मतलब एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन भी करेंगे एंड एक्स वन बिलोंग एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एस टू भी करेंगे। चूँकि एस वन एंड एस टू बोथ आर कॉन्वेक्स, देन लेमडा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा एक्स टू
एस वन बिलोंग्स टू एस वन करेगा, क्योंकि एस वन है वो कॉन्वेक्स है और एक्सपोनेंट एक्स टू बिलोंग पॉइंट है वो अपने पास एस वन के हैं। तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन। एंड इसी तरह जो एक्स वन एंड एक्स टू जो पॉइंट है वो एस टू के भी हैं, तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस टू। अब चूंकि ये लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू एस वन में भी बिलोंग कर रहा है और लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू एस टू में बिलोंग कर रहा है, तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू बिलोंग्स टू एस वन इंटरसेक्शन एस टू। सो हम कह सकते हैं एस वन इंटरसेक्शन एस टू इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। नाउ फ्रेंड्स हमारे पास अगले जो थ्योरम है वो है इफ़ एस वन एंड एस टू आर टू कॉन्वेक्स देन एस वन यूनियन एस टू नीड नॉट बी कॉन्वेक्स। इसके लिए हमने फ्रेंड्स इसको प्रूव करने के लिए कि कॉन्वेक्स नहीं होगा उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से शो कर रहे हैं। लेट एस वन बराबर एक्स जीरो, एक्स बिलोंग्स टू आर एन। फ्रेंड एस वन क्या है हमारे पास, एस वन है वो हमारे पास एक्स जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर एन, यानी कि जो हमारे पास टू डी में हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स जीरो, एक्स की वैल्यू है लेकिन वाई की वैल्यू जीरो है, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। और एस टू है वो हमारे पास जो एस टू है वो हमारे पास जीरो वाई, यानी कि वाई एक्सिस, वाई बिलोंग्स टू आर है आर, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं पहले हम एस वन को हम कॉन्वेक्स प्रूव करते हैं। तो एस वन को कॉन्वेक्स प्रूव करने के लिए हम सिंपली देख लेते हैं यहाँ से ये एस वन है पूरा अपना, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट ले लें तो उनको मिलाने वाला पॉइंट इसी लाइन पे आएगा, सीधे लाइन इस लाइन पे एक्स एक्स पे, तो ये हमारे पास एस वन है वो कॉन्वेक्स है। इस तरह एस टू को देखते हैं तो एस टू को ये लाइन है एस टू, यहाँ पे यहाँ से और यहाँ पे किसी कोई भी पॉइंट ले लें इसको मिलाने वाले पॉइंट हमेशा इसी लाइन पे होंगे, ये पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं। तो एस वन एंड एस टू हैं वो हमारे पास दोनों कॉन्वेक्स है। अब हम ले लेते हैं इनका कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हमें इनका यूनियन लेना है, तो एस वन यूनियन एस टू में से एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया तो वो हो गया हमारे पास वन जीरो, ले लिया हमने जैसे यहाँ से ले लिया, सॉरी जीरो वन ये ले लिया, यहाँ से ले लिया हमने वन एंड जीरो। अब फ्रेंड्स दोनों पॉइंट एस वन यूनियन एस टू में हैं क्योंकि एक पॉइंट हमने एस वन में से लिया है, एक पॉइंट एस टू में से लिया है, तो ये भी बिलोंग एस वन यूनियन एस टू से कर रहा है और ये भी बिलोंग एस वन यूनियन एस टू से कर रहा है, लेकिन इस पॉइंटों को मिलाने वाले पॉइंट कोई भी पॉइंट हमारे पास ना तो एस वन में है ना एस वन में है ना ही एस टू में है। अगर इसको एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे मिडिल पॉइंट लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास वन बाई टू, वन बाई टू जो मिडिल पॉइंट होगा ये ना तो हमारे पास एस वन में आ रहा है ना ही एस टू में आ रहा है, तो हम कह सकते हैं जो लेम जो कि एस वन यूनियन एस टू है वो हमारे पास कॉन्वेक्स नहीं होगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक अगली थ्योरम है इफ एस इज ए कॉन्वेक्स इन आर एन देन सो दैट एल्फा बिलोंग्स टू आर, एल्फा एस इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स इन आर एन, यानी हमारे पास दिया हुआ है एस जो है वो कॉन्वेक्स है और कोई एल्फा एक नंबर है जो कि आर से है, तब हमें शो करना है एल्फा एस, यानी एल्फा का मल्टीप्लाई एस से करने पर जो हमारे पास आएगा वो भी एल्फा एस कॉन्वेक्स होगा। अब इसको प्रूव करते हैं, गिवन दैट एस इज कॉन्वेक्स इन एस, हमारे पास ये दिया हुआ है कॉन्वेक्स है, लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एस, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू हमेशा एस में ही रहेंगे, जहाँ पे लेमड़ा जीरो से और वन के बीच में है। अब हमने लेट एक्स बराबर लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, यहाँ पर एक्स क्या डोट कर रहा है, वेयर एक्स डोट द ऑल पॉइंट ऑफ लेंथ सेगमेंट एक्स वन टू एक्स टू, जो कि एक्स वन जैसे यहाँ से एक्स वन है और यहाँ एक्स टू है, तो इन पॉइंटों को मिलाने वाले इस लाइन के सभी पॉइंटों पर लेमड़ा की अलग अलग वैल्यू रखने पे हमारे पास लेमड़ा की कुछ भी वैल्यू रखेंगे हम, जैसे लेमड़ा की वैल्यू वन बाई टू रखते हैं तो मिडिल पॉइंट आ जाएगा, वन बाई थ्री रखते हैं कुछ इधर का पॉइंट आ जाएगा, वन बाई फोर रखते हैं कुछ इधर का आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास ये जो पॉइंट होंगे लेमड़ा की हर एक वैल्यू के लिए ये पूरे लाइन सेगमेंट को शो करेगा। तो हमने ये लाइन सेगमेंट ले लिया, लाइन सेगमेंट एक्स वन टू एक्स टू हमने ये ले लिया, x बराबर एल्फा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू। अब यहाँ पे हमें ये भी हमारे पास कोई पॉइंट है उसमें हमने कोई कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई किया तो एल्फा एक्स, इसी तरह एल्फा लेमड़ा एक्स वन प्लस एल्फा वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, क्योंकि कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई किया तो अंदर चला जाएगा, तो ये लेमड़ा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू। अब फिर लेमड़ा एस के जो अवयव होंगे वो किस तरह से होंगे, लेमड़ा एक्स वन लेमड़ा एक्स टू इस तरह के अवयव होंगे,
बट लेमडा एक्स बिलोंग्स टू लेमडा एस, क्योंकि लेमडा का मल्टीप्लाई करके हमने ऐड किया, तो लेमडा एक्स सभी जो होंगे अल्फा एस में से बिलोंग करेंगे। सो लेमडा अल्फा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमडा अल्फा एक्स टू जो ये होगा ये भी बिलोंग्स टू एस करेगा, और हमें यही शो करना था, ये शो हो गया, तो लेमडा एस इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। अब फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, सो दैट एस इक्वल टू एस कोई सेट है एक्स वाई, इसमें अभी हमें बिलोंग्स टू आर एन सच दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, हमें इसको कॉन्वेक्स शो करना है। इसको कॉन्वेक्स शो करने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, लेट एक्स वन वाई वन बिलोंग्स टू एस एंड एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस। हमने एक्स वन एंड एक्स वन वाई वन, क्योंकि जो एस के अभी हमें वो एक्स वाई के रूप में, तो हमने एक्स वन वाई वन बिलोंग्स टू एस ले लिया एंड एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस ले लिया। देन एक्स वाई इक्वल टू कोई एक्स वाई लेमडा की हर एक वैल्यू के लिए कोई एक्स एंड वाई मिलते जाएंगे हमारे पास, तो लेमडा एक्स वाई प्लस वन माइनस लेमडा एक्स वाई एक्स टू वाई टू सॉरी एक्स वन वाई वन वन माइनस लेमडा एक्स टू वाई टू, ये हमें बिलोंग्स टू एस शो करना है। तो इसके लिए हमें ये शो करना काफ़ी होगा कि एक्स एंड वाई जो होगा वो लेमडा की हर एक वैल्यू के लिए एस में बिलोंग करेगा, ये शो करना है फ्रेंड्स। चूँकि एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई टू बिलोंग्स टू एस, सो एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर, इसको हम स्टार दे देते हैं, इसको हम डबल स्टार दे देते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए जिनके हमें आगे यूज करना है। नाउ एक्स और वाई क्या है हमारे पास, एक्स वाई बराबर इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं अंदर, तो लेमड़ा एक्स वन और लेमड़ा वाई वन ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना वन माइनस लेमड़ा वन माइनस लेमड़ा एक्स टू वन माइनस लेमड़ा वाई टू ये हो गया। तो इसका हम सम करते हैं तो ये होगा लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू लेमड़ा वाई वन प्लस वन माइनस लेमड़ा वाई टू, यानी जो एक्स होगा वो इस फॉर्म में होगा लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू, और वाई जो होगा वो होगा लेमड़ा वाई वन प्लस वन माइनस लेमड़ा वाई टू, इस फॉर्म में होगा। सो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू एस इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, हमारा एक्स वाई बिलोंग्स टू एस शो करने के लिए क्या शो करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर, यानी कि लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस लेमड़ा वाई वन प्लस वन माइनस लेमड़ा वाई टू का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर। सो हमने आर एच एस ले लिया इसका, अब ये शो करने के लिए हमने आर एच एस ले लिया, तो ये होगा लेमड़ा एक्स वन प्लस वन माइनस लेमड़ा एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस लेमड़ा वाई वन प्लस वन माइनस लेमड़ा वाई टू का होल स्क्वायर। अब हमने इस स्क्वायर को खोल दिया तो ये हो गया हमारे पास लेमड़ा स्क्वायर एक्स लेमड़ा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वन माइनस लेमड़ा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस टू लेमड़ा वन माइनस लेमड़ा एक्स वन एक्स टू। इस तरह इसको खोला तो ये आ गया लेमड़ा स्क्वायर वाई वन स्क्वायर प्लस वन माइनस लेमड़ा स्क्वायर वाई टू स्क्वायर टू लेमड़ा वन माइनस लेमड़ा वाई वन वाई टू, ये हो गया फ्रेंड्स। अब हमने यहाँ से एक्स वन स्क्वायर और वाई वन स्क्वायर वाले में से लेमड़ा स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो लेमड़ा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर। इस तरह हमने वन माइनस लेमड़ा स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया यहाँ दोनों से, तो ये हो गया वन माइनस लेमड़ा स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर प्लस यहाँ इन दोनों में से हमने टू लेमड़ा वन माइनस लेमड़ा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब हमारे पास एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर वो क्या है, चार से छोटा है, ये दिया हुआ है एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर। तो इसका यूज करके हमने ये बड़ा नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे इस नंबर की जगह हम बड़ा नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने बड़ी संख्या रख रहे हैं, इससे बड़ी संख्या यहाँ पुट कर रहे हैं, तो फोर लेमडा स्क्वायर इसी तरह एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू फोर, तो यहाँ पे भी हमें फोर इंटू वन माइनस लेमडा स्क्वायर ये हो गया, यहाँ पे हमने इसकी जगह वैल्यू फोर पुट कर दी। देन जो बचा हमारे पास टू लेमड़ा वन माइनस लेमड़ा एक्स वन एक्स टू प्लस वन वाई वाई वन वाई टू, नाउ एक्स वन प्लस एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू लेस देन इक्वल टू फोर। फोर फ्रेंड्स ये फोर है, यहाँ आर आर स्क्वायर आर होता है तो वो आर से कम होता, ये एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू लेस देन इक्वल टू फोर बाय लैग्रेंज इनइक्वालिटी। ये फ्रेंड्स लैग्रेंज इनइक्वालिटी को हम प्रूव भी कर सकते हैं या इसको हम शो करेंगे अभी कि एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू लेस देन इक्वल टू फोर कैसे आ जाए, ये शो करने के लिए देखते हैं हम। अब फ्रेंड टू शो दैट एक्स वन डॉट एक्स टू प्लस वाई वन डॉट वाई टू लेस देन इक्वल टू फोर, अब हम ये शो कर रहे हैं तो एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं, तो या तो जीरो होंगे या जीरो से बड़े होंगे, जीरो छोटा नहीं हो सकता क्योंकि ये नेगेटिव हो एक्स वन माइनस एक्स टू या पॉजिटिव हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो स्क्वायर है उसको हमेशा पॉजिटिव बना देगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगे, तो इसका हमें स्क्वायर खोल दिया तो ये हो गया एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर
और इसका स्क्वायर खोले तो एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर माइनस टू एक्स वन एक्स टू ये लिख दिया हमने। इसका स्क्वायर खोले तो वाई वन स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर माइनस टू वाई वन वाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फ्रेंड्स टू वाई वन वाई टू को हमने एक साइड ले गए या इधर ले गए या हम कह रहे हैं तो इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसको लिख रहे हैं इस टर्म को तो टू वाई वन वाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू और बाकी को हम इधर ले गए और यहाँ पे माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हम ये कर सकते हैं तो लेस देन इक्वल टू को साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर या एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर वाई टू स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ से टू कॉमन ले लिया हमने, ये हुआ एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर क्या था हमारे पास, वो हमारे पास पहले भी फोर था, यहाँ से एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर एंड एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई टू स्क्वायर लेस देन इक्वल टू फोर। तो इसी कंडीशन का हमें यूज करके हमने यहाँ पे दोनों जगह यहाँ पे फोर पुट कर दिया, यहाँ फोर पुट कर दिया तो ये हो गया वाई वन प्लस वाई टू टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू एट, ये हमारे पास कंडीशंस थी। तो हमारे पास टू का हमने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया वाई वन बाई टू प्लस एक्स वन एक्स टू लेस देन इक्वल टू फोर और एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन बाई टू लेस देन इक्वल टू फोर जो कि हमने लैग्रेंज इनइक्वालिटी बताई थी। ये हमने फ्रेंड्स लैग्रेंज इनइक्वालिटी को हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे। तो ये जो कंडीशन है ये भी फोर से छोटी है तो यहाँ पे हमने फोर पुट कर लिया, तो यहाँ पे फोर पुट करने पर टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा हो गया। अब फोर हमने पूरे में से कॉमन ले लिया तो फोर ये कॉमन हो गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस वन माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर प्लस टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा। फ्रेंड्स ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास लैम्बडा प्लस वन माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर है ये। तो ये इसको हम अगर खोलें तो लैम्बडा प्लस वन माइनस लैम्बडा यानी लैम्बडा से लैम्बडा कट जाएगा वन रह जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही रहेगा तो लेस देन इक्वल टू फोर। या फ्रेंड्स हमने यहाँ पे शो कर चुके हैं, हमने यहाँ पे ये शो कर ये जो इनइक्वालिटी थी हमने शो कर दिया कि ये जो इक्वालिटी फोर से छोटी है तो ये हमें शो करना था। सो हम कह सकते हैं कि जो एस है वो हमारे पास कॉनवेक्स है, सो एस इज कॉनवेक्स। फ्रेंड्स अब हमें पढ़ना है सी एल सी ऑफ टू पॉइंट्स, दैट एक्स वन एंड एक्स टू कोई दो पॉइंट है तो उसका हमारे पास सी एल सी होगा वो होगा एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू। सी एल सी क्या होता है, कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन। तो ये होता है हमारे पास सी एल सी ऑफ टू पॉइंट एक्स वन प्लस एक्स टू के लिए हमारे पास लैम्बडा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्बडा एक्स टू जहाँ जीरो लेस देन लैम्बडा लेस देन इक्वल टू वन। ये हमारे पास जो होगा ये लाइन सेगमेंट होगी हमारे पास जो जॉइनिंग एक्स वन और एक्स टू को जो जॉइन कर रही होगी, ये हमारे पास सी एल सी ऑफ टू पॉइंट हो गया। नाउ ऑफ सी एल सी ऑफ एम पॉइंट्स, एक्स बराबर कोई भी हमारे पास पॉइंट जो होगा सी एल सी का कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन का कोई पॉइंट होगा वो इस तरह से होगा एक्स इक्वल टू एक्स वन एल्फा वन प्लस एक्स टू एल्फा टू प्लस डॉट डॉट एल्फ एक्स एन एल्फा एन, जहाँ पर वेयर एल्फा वन प्लस एल्फा टू टू प्लस डॉट डॉट एल्फा एम इक्वल टू वन एल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आई बराबर वन टू एम। दिस गिव आल ऑप्टिमल आल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द एन डाइमेंशनल ग्राफ, कोई भी ग्राफ होगा उसके जो अंदर के पॉइंट होंगे और जो ग्राफ के बाउंड्री पे जो पॉइंट होंगे उन सारे पॉइंटों को ये हमारे पास दे देगा, लैम्बडा वन एल्फा वन एल्फा टू की जो अलग अलग वैल्यू होंगे उसके लिए दे देगा। अब हम थ्योरम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये थ्योरम है आ सेट एस इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ एवरी कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन पॉइंट्स ऑफ एस इन एस, यानी आ सेट एस इज कॉन्वेक्स इफ एंड ओनली इफ एवरी सी एल सी पॉइंट ऑफ एस इन एस, ये हमें शो करना है। अब प्रूव करते हैं फ्रेंड्स, इफ लेट एवरी सी एल सी पॉइंट ऑफ एस इन एस, सी एल सी पॉइंट जो है उसके एक्स वन एक्स टू जो भी पॉइंट होंगे यहाँ पे एक्स के जो पॉइंट होंगे वो सभी हमारे पास एस में हैं, दिस देन दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू टू देन एस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, क्योंकि हमारे पास जो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन हमारे पास कॉन्वेक्सिटी की कंडीशन है। अगर ये हमारे पास कॉन्वेक्स पॉइंट जो होंगे वो हमारे पास एस में है तो वो हमारे पास कॉन्वेक्स होगा ही। अब ओनली पार्ट आता है फ्रेंड्स, ओनली पार्ट वी विल शो दिस रिजल्ट बाई मैथमेटिक्स इंडक्शन, इस रिजल्ट में हमें क्या करना है, हमारे पास कोई सी एल सी पॉइंट होंगे उसको हमें कॉन्वेक्स प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें वी विल शो दिस रिजल्ट बाई मैथमेटिक्स इंडक्शन, मैथमेटिक्स इंडक्शन का मेथड लेंगे फोर के बराबर टू,
के बराबर टू के लिए क्या हो जाएगा, एक्स बराबर एक्स वन एल्फा वन प्लस एक्स टू एल्फा टू। ये फ्रेंड्स उसी में होंगे जहाँ पे एल्फा वन प्लस एल्फा टू इक्वल टू वन होगा, क्योंकि एस ये हमारे पास इसलिए होंगे क्योंकि जो एस है वो हमारे पास कॉन्वेक्स है। ये हमारे पास इम्प्लाई करेगा कि एस जो है कॉन्वेक्स है, क्योंकि यही कॉन्वेक्स की डेफिनेशन होती है। नाउ लेट वी अस एज्यूम दैट द रिजल्ट ट्रू फॉर एक्स बराबर के। अब हमने ये सोच एज्यूम कर लिया है कि जो रिजल्ट है कि जो के बराबर एम के एन बराबर के लिए हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है। तो उस कंडीशन में हमने मान लिया एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 एल्फा के एक्स के बिलोंग्स टू एस, वेयर एल्फा वन प्लस एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा के इक्वल टू वन। ये हमने मान लिया फ्रेंड्स। नाउ वी वांट टू शो दैट दिस रिजल्ट इज आल्सो होल्ड फॉर एन बराबर के प्लस वन। हमने एन बराबर के लिए इस रिजल्ट को हमने ट्रू मान लिया है, तो हमें एन बराबर के प्लस वन के लिए इस रिजल्ट को ट्रू शो करना है। आई वी वांट टू शो, इसका मतलब है हम शो करना चाहते हैं, वो है एक्स बराबर एल्फा वन एक्स वन प्लस एल्फा टू एक्स टू डॉट डॉट एल्फा के एक्स के प्लस एल्फा के प्लस वन एक्स के प्लस वन, वेयर एल्फा वन प्लस एल्फा टू प्लस डॉट डॉट एल्फा के प्लस वन इक्वल टू वन। ये है। अब फ्रेंड्स अगर हम जो एल्फा के प्लस वन जोड़ते हैं वो जीरो है, तो हमारे जो हमने एज्यूम्शन किया था कि बाकी जो एल्फा के हैं वो वन है, तो उसका एज्यूम्शन से हमारे पास ये ट्रू हो जाएगा। और अगर एल्फा के प्लस वन इक्वल टू वन जोड़ते हैं, हम एल्फा के प्लस वन की वैल्यू वन रखते हैं, देन वी कैन टेक सभी हमें एल्फा वन इक्वल टू एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा के हमें जीरो ले लें, तो हमारे पास एल्फा के एक्स से बच जाएगा जो कि एक्स में बिलोंग करेगा। देन रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि हमने सी उसके एल्फा वन प्लस एल्फा टू डॉट डॉट एल्फा के प्लस वन इक्वल टू वन हो गए हमारे पास। नाउ लेट अस एज्यूम दैट जीरो लेस देन एल्फा के प्लस वन लेस देन वन। हमने एज्यूम कर लिया है क्योंकि ना तो हमने जीरो मान रहे हैं उसको ना ही वन मान रहे हैं, इनके बीच में हमने कोई एल्फा के प्लस वन को एज्यूम कर लिया है, तो हमने इसके वन बीच में क्या है तो वन माइनस एल्फा के प्लस वन भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये जीरो से छोटा है। सो एक्स बराबर हमने वन माइनस एल्फा के प्लस वन का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और एल्फा वन एक्स वन प्लस अपन वन माइनस एल्फा के प्लस वन का इसका हम एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम आएगा, एलसीएम लेके कट जाएगा ये वन माइनस एल्फा के प्लस वन डॉट डॉट वन माइनस एल्फा के प्लस वन और एल्फा एन तक एल्फा एन एक्स एन, और जो अगली टर्म थी एल्फा के प्लस वन एक्स के प्लस वन इसको हमने लीव कर दिया। अब फिर से हमने यहाँ पे एल्फा आई अपॉन वन माइनस एल्फा के प्लस वन, इस टर्म को हमने बीटा आई मान लिया, इस टर्म को बीटा आई मान लिया, तो हम ये कह सकते हैं इस टर्म को सभी एल्फा आई एल्फा वन वन अपॉन एल्फा के प्लस वन वन है से हमें चलते हुए एल्फा के वन माइनस बीटा के प्लस वन और यहाँ पे एक्स वन और एक्स के, तो ये हो गया बीटा वन एक्स के वन बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू डॉट डॉट बीटा के एक्स टू बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे हमने ये कर लिया। नाउ ये हमने वन माइनस एल्फा के प्लस वन का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे अलग से हमने कंस्टेंट दिखा दिए, तो हो गया एक्स बराबर वन माइनस एल्फा के प्लस वन, और इसको हमने एक अलग से वाई दे दिया, इस पूरे टर्म को हमने एक वाई एक अलग से पॉइंट दे दिया वाई, तो ये हो गया वाई प्लस एल्फा के प्लस वन एक्स के प्लस वन। ये हो गया फ्रेंड्स। अगर हम इन दोनों को जोड़ लें तो सम हो जाएगा वन, विच इज़ द सी एल सी ऑफ टू पॉइंट, ये दो पॉइंट्स का लीनियर कॉन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। सो सिंस तो हम कह सकते हैं जो कि हमने एक्स बराबर के प्लस वन के लिए भी हमें इसको सी एल सी प्रूव कर दिया, सिंस सो एस इज कॉन्वेक्स, ये हमें प्रूव करना था। अब फ्रेंड्स अगली डेफिनेशन आती है, वो हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट। अब फ्रेंड एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होता है, अ पॉइंट एक्स इज सेट टू बी एक्सट्रीमम पॉइंट या वर्टेक्स जो होता है ऑफ अ फेजिबल सेट एस ऑफ अ एलपीपी इफ एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज एक्स बराबर एल्फा एक्स वन प्लस वन माइनस लैम्ब्डा वन माइनस एल्फा एक्स टू, यानी कि इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वो पॉइंट होगा हमारे पास एक्सट्रीमम पॉइंट होगा।